करने वाले एक टेक्निक के बारे में जो बहुत कम स्टूडेंट को पता होता है और उससे भी बहुत कम स्टूडेंट इसको यूज़ करते हैं, पता होने के बाद भी काफ़ी स्टूडेंट इसको यूज़ नहीं करते हैं। और ये क्या होता है, ये एक तरीके से आप बोल सकते हो फीडबैक। कैसा फीडबैक, जैसे कि समझो अगर आपने आज कोई एग्ज़ाम लिखा और उस एग्ज़ाम में आपने देखा कि आपके क्वेश्चन गलत है, तो अगर आपके क्वेश्चन गलत हैं और अगर आपके मार्क्स अच्छे बने हैं तो आप क्या करोगे, आप मार्क्स अच्छे बने हैं इसलिए आप खुश हो जाओगे। और अगर आपका पेपर बहुत बुरा गया और आपके मार्क्स बहुत कम हुए तो आप उदास होकर बैठ जाओगे, दो तीन दिन तक आप उदास रहोगे और फिर अपनी प्रिपरेशन शुरू करोगे। दैट इज़ जनरली हैपनिंग विद अस। इनफैक्ट अगर आपके मार्क्स कम आए तो आप स्टूडेंट्स जो है वो टीचर्स के पास जा सकते हैं, टीचर्स को बोल सकते हैं कि हमने तो इतनी मेहनत की फिर भी हमारा नहीं हो पाया, ये सारी चीज़ें होती हैं। बट यहाँ पर अब क्या होता है, ऐसा जो जिनका सिलेक्शन होता है वो क्या करते हैं, अगर उनके मार्क्स ज़्यादा आए या कम आए, दोनों ही सिचुएशन में व्हाट दे डू, वो करते हैं कि उनके जो क्वेश्चंस गलत हुए हैं उन पर ध्यान देते हैं। तो उनके कौन से क्वेश्चंस गलत हुए हैं, कौन से क्वेश्चन किस रीज़न की वजह से गलत हुए हैं। अगर कोई क्वेश्चन ऐसा था कि जो टॉपिक से था, जो उन्होंने पढ़ा था, लेकिन स्टिल वो अगर उनको पेपर में नहीं आया तो वो क्यों नहीं आया, ये सारी चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी होती है एक क्वेश्चन पेपर के बाद या फिर अगर आपने कोई टेस्ट दिया है तो उसके बाद। ऐसा नहीं है कि बस यार दे दिया, खुशी मना लिया, दुखी बना लिया, इससे कुछ नहीं होगा। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको उसके लिए फीडबैक अपनाना ही पड़ेगा। फीडबैक में आपको करना क्या है कि जो भी आपका क्वेश्चन आपको लगा है कि गलत हुआ है, वो क्यों गलत हुआ है, कौन से टॉपिक से वो क्वेश्चन है, वो टॉपिक मुझे अच्छे से आता है या नहीं आता, नहीं आता तो उसको और अच्छे से करिए, आता है तो क्या गलती हुई, स्टिल क्या रिविजन की कमी है, रिविजन की कमी है तो रिविजन कीजिए। मैक्सिमम टाइम ये देखा गया है कि अगर आप बहुत बार अटेम्प्ट कर चुके हैं लेकिन फिर भी अगर आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है तो उसका रीज़न यही होता है कि आपने फीडबैक ही नहीं किया, बस दे दिया यार, आलस के चक्कर में हम देखते रहे कि इस काम में मेहनत लगती है, तो आलस के चक्कर में हम उसको देखते ही नहीं है। पर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपने कोई एग्ज़ाम दिया है तो उसमें आप क्वेश्चन को चेक कीजिए। यही एक टॉपर करता है, जैसे कि आज आपने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के समझो 30 क्वेश्चन मार्क किए, 30 क्वेश्चन में भले ही आपके दो क्वेश्चन भी गलत हुए तो वो क्यों गलत हुए आपको देखना है। ये हर एक एग्ज़ाम के लिए लागू होता है, भले ही कोई एग्ज़ाम हो लेकिन आपको उसमें ये देखना ही पड़ेगा। यही एक टॉपर करता है और यही आपको भी करना चाहिए अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो। दिस इज़ द वन एंड द मेन रीज़न कि क्यों आप लोगों का बार बार एग्ज़ाम देने के बाद भी सिलेक्शन नहीं हो पाता। और भी रीजंस हैं लेकिन ये एक बहुत बेसिक और बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न होता है जिसके बारे में कोई आपको नहीं बताएगा। तो आपको करना क्या है, जब भी आपने कोई टेस्ट दिया है उसके बाद आपको देखना है कि वो टेस्ट में आपके कौन से क्वेश्चंस गलत हुए हैं, वो गलत हुए हैं तो क्यों गलत हुए हैं आपको देखना है। अगर आप उनको आप खुद से कर सकते हो एनालाइज, खुद से आपको समझ गया कि ये क्वेश्चन गलत इस वजह से हुआ है तो ठीक है, नहीं तो आप थोड़ा सा अपना एनालिसिस लेकर अपने टीचर के पास जाइए, अपने किसी दोस्त के पास जाइए जिसने क्लियर किया और उसको पूछिए। लेकिन सबसे पहले ये काम आपको खुद को ही करना पड़ेगा और कोई आपको नहीं करके देगा। इसलिए जितने अच्छे से आप अपने आप को जानते हो और अपने प्रिपरेशन को जानते हो उतने अच्छे से कोई आपको या आपकी प्रिपरेशन को नहीं जानता है। सो डू इट फॉर योरसेल्फ एंड आई डेफिनेटली कैन से कि ये आपको ज़रूर हेल्प करेगा। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।